दिनों के सीजफायर के बाद 23 मई की रात से क्रीमिया फिर दहलना शुरू हो गया। फिर यूक्रेन ने क्रीमिया समेत ब्लैक सी में मौजूद रूसी नेवल बेस से को अपना निशाना बना दिया। ATACMS और स्ट्रॉम शैडो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए, मगर बीती रात क्रीमिया के अलावा रूस के एक और इलाके में बारूदी बारिश हुई। और जानते हैं यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने कहां गदर मचाया, अजोव सागर के पास मौजूद रूस के क्रासनोदर प्रांत में रूसी वायुसेना के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए। अब ये सवाल है कि आखिर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने कैसे ध्वस्त की पुतिन की रक्षा दीवार, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया दहन के सेकेंड फेज का आगाज 23 मई की रात हुआ और इसी के साथ ही बीते 48 घंटों से लगातार क्रीमिया दहल रहा है। सेवस्तोपोल समेत क्रीमिया का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक तो यूक्रेनी ब्रिगेड क्रीमिया के साथ साथ ब्लैक सी में ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, मगर बीती रात सी ऑफ अजोव के पूर्वी छोर पर मौजूद रूस के क्रासनोदर प्रांत पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से खलबली मचा दी। आपको बता दें कि पहला अटैक 23 मई की रात यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवस्तोपोल नेवल बेस पर हमला कर रूसी नौसेना के एक कराकुर्द क्लास कॉर्वेट सिक्लोन युद्धपोत को नष्ट किया। दूसरा अटैक 24 मई की रात तो वहीं अजोव सागर से सटे क्रासनोदर प्रांत में मौजूद कुश्चेवस्काया एयरफील्ड पर अटैक कर रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों को तहस नहस कर दिया। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रेमलिन को सन्न कर दिया, क्योंकि रूस की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेनी सेना ने डंके की चोट पर क्रीमिया से क्रासनोदर तक, ब्लैक सी से अजोव सागर तक के इलाके को दहलाया। और जानते हैं क्रीमिया और क्रासनोदर को बारूद से पाटने के लिए यूक्रेन ने किन विध्वंसकों का इस्तेमाल किया? यूक्रेन का पहला विनाशक हथियार अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा विनाशक हथियार स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का तीसरा विनाशक हथियार UJ-22 कामिकाजे अटैक ड्रोन। इन्हीं तीनों हथियारों के साथ क्रीमिया से क्रासनोदर का इलाका बारूद से धधक उठा। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने जिस मेड इन यूएस अटैक एमएस मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला किया उसने बीती रात जल समाधि ले ली। सबसे जरूरी बात यह कि यूक्रेन ने जिस युद्धपोत को जलमग्न किया उसका रूसी नौसेना में कमीशन बीते साल जुलाई में ही हुआ था। इतना ही नहीं, कराकुर्द क्लास कॉर्वेट सिक्लोन एक मिसाइल शिप था। इस युद्धपोत पर कैलिबर मिसाइलें तैनात की गई थी। यूक्रेन के हमले में शिप पर तैनात 6 लोगों की मौत हुई जबकि शिप पर मौजूद 11 कोस्ट गार्ड घायल भी हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ब्लैक सी में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम था, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता था, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन के प्रचंड प्रहार ने खलबली मचा रखी है। काला सागर में यूक्रेन की नौसेना कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुकी है। कर्च ब्रिज से क्रीमिया तक के इलाके को बारूद से पाट चुकी है। दो साल में रूस के करीब 26 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं।
रूस की ब्लैक सी फ्लीट में युद्ध पोतों की तादाद करीब 184 थी, जिनमें से करीब 33% युद्ध पोत यूक्रेन की सेना तबाह कर चुकी है। इसके अलावा क्रीमिया में मौजूद रूसी नेवल बेस को भी नुकसान हुआ है। क्रीमिया की तरह यूक्रेन के टारगेट पर अब क्रास्नोदर प्रांत भी आ चुका है और उसकी वजह है क्रास्नोदर रीजन का सी ऑफ अजोव के पास मौजूद होना। क्रीमिया की तरह यूक्रेन ने क्रास्नोदर के क्रुश्चेवस्काया एयरबेस पर भी कामिकाजे ड्रोन से स्ट्राइक। ATACMS टेक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से क्रीमिया को दहलाने के बाद यूक्रेन ब्रिगेड ने सेवेस्तोपोल से करीब 500 किलोमीटर दूर क्रास्नोदर प्रांत के कुश्चेवस्किया एयरबेस पर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की इस ड्रोन स्ट्राइक में कुश्चेवस्किया एयरबेस पर तैनात रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान तहस नहस हो गए। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी वायुसेना के एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान, एक सुखोई 34 फाइटर जेट और एक सुखोई 30 विमान को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, कुश्चेवस्किया एयरबेस पर यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक से रूसी वायुसेना का रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सेंटर भी ध्वस्त हो गया। पहले क्रीमिया और अब क्रास्नोदर। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन वज्रपात ने भीषण कोहराम मचा रखा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्रीमिया समेत यूक्रेन की रेंज में आने वाले सभी एयरबेस और सैन्य इलाकों की सुरक्षा के लिए रूस ने अपने सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन हमले करने में क्यों कामयाब हो रहा है? कैसे रूसी डिफेंस को ध्वस्त कर क्रीमिया और रूसी इलाकों को दहला रहा है? तो इसकी वजह है यूक्रेन के बारूदी जखीरे में मौजूद पश्चिमी देशों के हथियार। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका और नेटो की तरफ से जिन अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हो रही है वो तमाम तरह के एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जिससे वो आसानी से रडार को चकमा दे रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और नेटो ने अपने विनाशकों को मॉडिफाई किया है। बस यही बदलाव अब बैटल ग्राउंड में ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।